ये 2020 के बाद एक पहला बड़ा क्लैश है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारे पास एक मैकेनिज्म है, सब तय हो चुका है, बार बार फ्लैग मीटिंग होती है, हायर ऑफिशियल की मीटिंग होती है, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं कि ये काम ना हो, उसके बाद भी चाइनीज़ इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। और ये क्लैश अबकी का जो हुआ है गाल्वन वैली में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में अभी हमारा बॉर्डर जो है वो काफ़ी डिमार्केटेड, जिसे कहना चाहिए कि ठीक तरीके से नहीं हो पाया है। तो हो सकता है कि गलती से आ गए हों, इसलिए कि तुरंत ही फ्लैग मीटिंग हुई और वो लोग वापस चले गए। लेकिन ये इस तरह की घटना होना सिर्फ ये शो करता है कि चाइनीज सोल्जर्स जो हैं ये बहुत ट्रेंड नहीं नज़र आते और बहुत डिसिप्लिन भी नहीं नज़र आते। उसका कारण ये है कि एकदम से आके आप मारपीट कर रहे हैं, लोगों को हटा रहे हैं। हमारे कई सोल्जर्स जख्मी हुए, ज़्यादा तो नहीं हुए, और चाइनीज़ भी बहुत से ज़ख्मी हुए। ये सभ्य आर्मी का ये तरीका नहीं होता, और इस जिस तरीके से हुआ इसको बहुत कंडेम करना चाहिए। और ये है कि बहुत मुझे पूरा यकीन है कि फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर हमारे बहुत सुलझे हुए हैं और कह भी चुके हैं कि हम एक इंच ज़मीन भी नहीं चाइना को या पाकिस्तान या किसी भी देश को नहीं लेने देंगे। प्राइम मिनिस्टर का भी ये इसी तरह का स्टेटमेंट पहले ही आ चुका है। तो अब दूसरी बात ये कि हमारी सेना कितनी प्रिपेयर थी, आप ये देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि फौरन ही वहाँ पे पहुँची और इनको पीछे ढकेल दिया। और दूसरी बात ये भी है कि हमने देखा है कि जब भी चाइना के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम होता है, जैसा आजकल हो रहा है, रोज़ डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ हर तरफ, तो वो बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट कर देते हैं। और पाकिस्तान भी यही हरकत करता है। पाकिस्तान कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो। अभी कुछ ही समय पहले पाकिस्तान ने राजस्थान बॉर्डर पे मिलिटेंट एक्टिविटी की, भी तरन तारन पे भी एक रॉकेट लॉन्चर से अटैक हुआ वहाँ के पुलिस स्टेशन पे। अब ये इनके यहाँ हो रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था जब ईस्ट लद्दाख में हो रहा था, तब भी यहाँ पे ये कर रहे थे वो। तो ये लगता ऐसा है कि चाइना नहीं चाहता कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उसको रोकने की भी ये कोशिश करते हैं, ताकि भारत इंटरनली इंगेज हो जाए और इंटरनेशनल अफेयर्स में जो भारत एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो न कर पाए। सर, अभी आपने कहा कि वो ट्रेंड कम दिखते हैं, डिसिप्लिन कम, ट्रेंड कम होना, डिसिप्लिन कम होना इंडिया के लिए कितना नुकसानदायक होगा या क्या होगा? ये बड़ा नुकसानदायक है। ये सब ये बात करनी पड़ेगी, उनसे कहना पड़ेगा कि आप कैसे आके लड़ने लगते हैं। अगर कोई भी सोल्जर हमारा, अभी पाकिस्तान का एक कोई आदमी इंटर आ गया था, भारत इंडियन सोल्जर ने पकड़ा, उसका इंटरव्यू किया, उसको वापस कर दिया। ये लड़ाई का विषय नहीं है भाई, ये बॉर्डर है। और फिर हम मतलब कुछ एक वो बनाएं, बैठ के तय करें, सॉर्ट इट आउट कि क्या चाहिए उनको, कहाँ पे होगा बॉर्डर। हमने तो डिसाइड कर लिया है, हमारा है, उस पर एक तरह का एग्रीमेंट है। अगर उनको कोई डिस्प्यूट है तो बात करें। ये कैसे कि आप एकदम से वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हुए अंदर आ गए या चले गए? वी आर नॉट एट वॉर, वी डोंट वॉन्ट, हमारी पॉलिसी नहीं है जंग की। हम अमन शांति चाहते हैं और बातचीत के माध्यम से मसलों को हल करना चाहते हैं। अच्छा, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं जेम्स क्लेवरी, उनकी है, और ये भी कहा है कि यूके चाहता है कि भारत जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बने। मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, और प्रधानमंत्री की छवि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुत बड़ी है। G20 में जो भारत का रोल उन्हीं ने वहाँ पर किया, खासतौर से रेजोल्यूशंस लाने में, पास कराने में, उससे सभी खुश थे। यानी जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स वहाँ पे मौजूद थे, या उसके अलावा G20 के दूसरे मेंबर्स ने भी सराहना की। तो भारत का एक बड़ा रोल है जिसको सभी अब रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। ये अच्छी बात है कि बरतानिया ने भी अब इस बात को मान लिया है कि भारत को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का। मैं समझता हूँ कि रिफॉर्म्स जितनी जल्दी हों उतना बेहतर होगा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए। बात ये बहुत समय से चल रही है, अब समय आ गया है, वक्त इस बात का है कि इसके ऊपर अमल किया जाए। सिक्योरिटी काउंसिल में चेंजेस जो आने हैं उनको लाना चाहिए इंडिया, और दूसरे जो प्रत्याशी हैं जो चाहते हैं मेंबर बनना, जिनका
जो एक डेवलप्ड इकनॉमी जिनकी बहुत हो गई है, जो एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, इंडिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, इस तरह जर्मनी है, जापान है, जिनको मेंबरशिप के लिए तो बात बहुत समय से हो रही है। अब इस पर एक्शन की ज़रूरत है, जितनी जल्दी एक्शन होगा उतना बेहतर होगा। इस समय इंटरनेशनल हालात बहुत ख़राब है और मैं समझता हूँ कि ये उनका स्टेटमेंट जो है इसको हमें स्वागत करना चाहिए। सर, इंडिया को यूएनएससी में चाहना, जो यूके की चाहत है, ये कितनी मदद काउंसिल में ले जाए? देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और एक बड़ा रोल होता है, वीटो पावर है उसके पास, वो वीटो भी कर सकता है उसका आना। देखिए, ब्रिटेन अगर कोई बात करता है तो इसके मतलब ये है कि कुछ समय के बाद अमेरिका भी करेगा। अगर ब्रिटेन ने कहा है तो कुछ समय के बाद अमेरिका भी इस बात को, इसलिए ये ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये एक ही कोऑर्डिनेटेड, ये सब बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनकी इकनॉमी भी, इनके वो भी, ये सारे देश जो हैं, और इनका लीडर अमेरिका होता है, लेकिन इनिशिएटिव सबसे पहले ब्रिटेन ही लेता है इन चीज़ों का। रशिया और दूसरे मुल्क, फ्रांस वगैरह, पहले कह चुके हैं भारत की मेंबर के लिए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। चाइना एक बचता है, अगर मैं समझता हूँ बाकी सब देश राज़ी हो जाएंगे तो चाइना उसको नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले तो इन प्रिंसिपल, उनको ये डिबेट शुरू करनी चाहिए, तय करना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके उसका विस्तार हो, ताकि एक प्रोएक्टिव काम, एक बड़ा काम, जो रुके हुए काम हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, जो इस समय समस्याएं हैं, उनको हल करने में भारत और दूसरे देश मिलकर, मैं समझता हूँ कि काफ़ी मदद होगी। सिक्योरिटी काउंसिल एक मीनिंगफुल बॉडी बन जाएगी। ये वो बॉडी है जो 45 में बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तब भारत आज़ाद भी नहीं था, और अब यह है कि ये देश जो हैं जिनके हम लोग नाम ले रहे हैं, ये काफ़ी विकसित हो चुके हैं और इनका एक बड़ा रोल है, भारत का तो बहुत ही बड़ा रोल है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी, यानी डेवलपिंग नेशन में भी, और उसके रोल को जो डेवलप्ड नेशन है, इंडस्ट्रियलाइज नेशन जिसे कहते हैं, वो भी भारत को बहुत मानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि समय आ गया है, इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, इस मसले को जल्दी हो, और इसका रिफॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल का ही नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब में रिफॉर्म की ज़रूरत है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या दूसरे इंस्टीट्यूशन, उसमें सब में भागीदारी इन देशों की और दूसरे देशों की भी होनी चाहिए। धन्यवाद सर। इन अ क्लैश बिटवीन इंडिया एंड चाइना टू प्लेस एट अरुणाचल प्रदेश, सर दिस इज अ मेजर क्लैश आफ्टर 2022 गलवान स्टैंड ऑफ जो, या दिस इज ट्रू, यू नो आफ्टर 2 years, यू नो ऑलमोस्ट दिस अटैक हैज टेकन प्लेस, बट व्हाई इट हैज टेकन प्लेस, व्हाई द क्लैशेस, यू नो व्हाट वाज द नेसेसिटी फॉर फाइटिंग, यू नो there should be some mechanism, and we have already established a mechanism, you know, a flag meeting, then we have a secretary level army officials meeting, you know, that frequently taking place at the diplomatic level as well as at the border level itself, you know. So I mean, it looks the either the it was a deliberate act of Chinese army, or it looks, you know, to me sometime, you know, the army is not very, Chinese army is not very disciplined, and therefore such things are happening, you know. I think time has come when China should realize, you know, okay, that this cannot be accepted. Secondly, you know, Indian forces are fully geared to handle such a situation, and we have seen this time also, you know, immediately Indian troops moved in there and these troops were pushed back, and good thing has happened, you know, the flag meeting took place. But in the process, about a dozen Indian soldiers got injuries, you know, they are not serious, but we don't know how many Chinese are injured, you know. It's a I think, you know, there is a need. I mean, I'm sure the government of India would take it at a very higher level, and they should be told, you know, that such things should not happen in future. Secondly, we have also seen whenever the crisis comes in or internal situation deteriorates in China, they try to divert attention at Indian border or South China Sea or other borders with China, you know.
China has been doing it, you know. They promote nationalism within the country. And that has been going on. Sometimes I feel, you know, it's a coordinated activity, you know, because just a few days back, Pakistan has also attacked Indian Patrol at Rajasthan border, and then a rocket was launched in Taran Taran district, at a police station in Taran Taran. So what is this, you know? It looks, you know, they don't want India. They want to engage India internally, you know, so that India could not play a major role in international politics or could not emerge as a major economic power. So it looks, you know, the objective, it's still early to say, but one thing is certain, you know, India will not tolerate or will not accept such thing, because the Prime Minister himself has said that he will not allow even an inch of land to be grabbed by any country, China, be it China or Pakistan or anyone. Besides this, the Defence Minister has also committed. He has also stated he is a very serious person and a good administration and a good Defence Minister. He has also made it clear that India will not allow even an inch of land to be used up by other. First time after the Rishi Sunak led government to place, and British Foreign Secretary said that first he praised PM Modi, and secondly he said that UK wants India to become a permanent member of UNSC. I think it's a very good statement. It should be welcomed by all, you know. Britain is a member of Security, permanent member of the Security Council. It has veto power. And besides this, you know, the other countries have already welcomed it, you know, India's entry into the... Their time has come, you know, to take action, you know. We have been listening, you know, the reform within the Security Council or UN reforms talk has been going on for a very long time. I think it's high time the initiative should be taken. India should be brought in into the Security Council. There are lots of problems which the world or the international community is facing, you know. And India has a big role in international politics or international community, you know. Its role has been recognized. We have just seen, you know, India played a very major role in sorting out problem at G20 meeting held in Bali. So therefore, you know, I think most of the countries have wanted India to be part of Security Council. The reason is, you know, India has always championed the cause of underdeveloped countries or developing nation as well. We have good relations with both, you know, the underdeveloped or the developing nation on the one side, on the other side, you know, the developed countries or the industrialized nation of the Western world, you know. So therefore, you know, time has come. I think it should be initiated. The matter should be sorted out fast and necessary. This initiative or necessary amendment should be made to amend this Security Council. Thank you. India TV, har vakt, har jagah. Download karne ke liye search karein India TV News, Google Play Store ya App Store par.